हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों से और मेरे गांव एरोली से, जहां से मैं आपके लिए प्यार सा व्लॉग बना रहा हूं। और व्लॉग वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और मेरे साथ मेरी इस प्यारी सी जर्नी में दोस्तों जुड़े रहें। तो दोस्तों, कल के व्लॉग में आपने देखा कि हम ऊपर मंदिरों में ना डेंटिंग पेंटिंग करने पे लगे हुए थे, और वो चीज़ ना दोस्तों हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि अब पूजा है। तो आज से पूजा दोस्तों स्टार्ट है, हो चुकी है। तो दोस्तों अभी नीचे पंचायत भवन में ना तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो पंचायत भवन में अभी दोस्तों रोड बन रहा है जो कि कुछ दोस्तों इस तरीके से बनता है, और इसको ना दोस्तों हम पुरुष वर्ग ही बनाते हैं, यानी पुरुष ही बनाते हैं, क्योंकि ये बनने में दोस्तों बहुत हार्ड होता है और इसको महिलाएँ नहीं बनाती, यानी पुरुष ही बनाते हैं। और ये कुछ इस तरीके से बनता है, और बनने के बाद ना दोस्तों कुछ ऐसा हो जाता है। और अब दोस्तों ना इसके बाद हम चलेंगे चौक में, और चौक से करेंगे आगे की पूजा की स्टार्टिंग, यानी आगे की पूजा की विधि चौक से शुरू होगी। तो चलिए भाई चलते हैं चौक में। तो अभी ना दोस्तों मैं ठीक आ चुका हूँ अपने दादाजी के घर में, और यहाँ से दोस्तों हमारे भैरव बाबा का चौक दिखता है। तो ये रहा भाई, और यहाँ दोस्तों ना पूजा की सबसे पहली तैयारी शुरू होने वाली है, जो कि है दोस्तों निशानियों को तैयार करना। और निशानियाँ दोस्तों ना हमारे पहाड़ों में काफी पूजनीय चीज है, क्योंकि दोस्तों ना यही हमें हर बुरी प्रेत आत्माओं से या हर बुरी चीजों से बचाती है। तो इसीलिए दोस्तों निशानियों को सबसे आगे से और पीछे से ले जाया जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से पूजा चल रही है, और मैं ऊपर इसीलिए आया कि मैं ऊपर से पूरा आपको शूट करके दिखा पाऊँ। तो मैं ऊपर छत पे इसीलिए आया भाई कि यहाँ से मैं आपको पूरा दिखा पाऊँ कि क्या क्या वीडियो हो रही है, तो यहाँ से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो इसीलिए भाई ऊपर आया। तो अभी दोस्तों ना चौक की पूजा कंप्लीट हो चुकी है, और अभी सारे भक्तजन जा रहे हैं ऊपर भैरव बाबा के मंदिर में, तो वहाँ भी दोस्तों पूजा करनी है। तो चलिए भाई चलते हैं और आगे ये विधि आपको दिखाते हैं। तो अभी दोस्तों सारे भक्तजन पहुंच चुके हैं भैरव बाबा की मंदिर में, और ये है दोस्तों भैरव बाबा की मंदिर, और अभी दोस्तों भैरव बाबा की पूजा होने वाली है। और चलिए आपको आगे की वीडियो दिखाइए। चलिए Thank you.
भी भाई सारे लोग कर रहे हैं ऊपर वाली मंदिर के लिए प्रस्थान, यानी काली माँ और माँ शेरावाली की जो मंदिर है उस मंदिर के लिए अभी सारे लोग प्रस्थान कर रहे हैं। अभी उस वाले मंदिर में भी जाना है और वहाँ भी पूजा करनी है। तो भाई चाचा जी ले जा रहे हैं हमारे निशान को और वो कह रहे हैं। तो अभी भाई सारे भक्तजन लगे हुए हैं रास्ते ऊपर आने के लिए। तो ये है भाई सारे भक्तजन और अभी ऊपर वाले मंदिर में जा रहे हैं। बस बस खड़रा का जय हो। तो अभी भाई आ गए मंदिर में और ये रही भाई हमारी दोनों मंदिरें, माँ काली की और माँ शेरावाली की, और भक्तजन सारे अभी आ रहे हैं। और अभी ना दोस्तों सारे मंदिर की प्रक्रिया करी जाएगी, तो सारे लोग घूम के सारे मंदिर की प्रक्रिया करेंगे। तो आगे से देखो भाई चादर चल रहे हैं और पीछे से ढोल दमाऊ आ रहा है और पूरे मंदिर की प्रक्रिया होगी। अभी लगभग सारे भक्तजन पहुंच चुके हैं मंदिर में और जितने पीछे से आ रहे थे वो पीछे से प्रक्रिया में जुड़ रहे हैं, बाकी जो पहले आ गए थे वो पहले से ही प्रक्रिया पे कंटिन्यू कर ही रहे थे। तो अभी दोस्तों हो चुकी है प्रक्रिया की विधि खत्म और अभी बैठ चुके हैं सारे भक्त लोग। Thank you.
तो अभी दोस्तों हो चुकी है पूजा कंप्लीट दोनों मंदिरों की, और अब जा रहे हैं लोग सीधा नीचे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और अब शाम को होंगे दोस्तों मेला संगीत यानी कीर्तन, जो कीर्तन किए जाते हैं ना वो कीर्तन होंगे, और बाकी अभी नीचे चल के लोग खाना वगैरह खाएंगे, तो वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी शाम को कीर्तन होंगे तो वो चीज़ें ठीक से कंटिन्यू वो चीज़ें ठीक से शूट करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि कैसे भाई कीर्तन की जाती है, तो वो भी चीज़ें आपको दिखाएंगे भाई। तो अभी भाई खाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और ये देखो भाई यहाँ से सारे लोग अपने लिए खाना लेके जा रहे हैं, और इधर सारे लोग बैठ के खा रहे हैं, और इधर से भाई काम इन प्रोग्रेस चल रहा है, मतलब इधर से बनने का काम चल रहा है, इधर से पूरियाँ वगैरह बन रही है और इधर से लोग अपने लिए खाना लेके जा रहे हैं। तो सबको भाई ऐसे ही खाना हम खिला रहे हैं, तो खाना खिलाने के बाद उसके बाद आपको मिलेंगे जब शाम को कीर्तन होंगे ना, तो कीर्तनों में मिलेंगे। तो चलिए भाई लोगों को खाना खाना देते हैं और हम भी खाते हैं, और उसके बाद आपको मिलते हैं। तो अभी दोस्तों इस ब्लॉग को कर दिया है एडिट, और दोस्तों ना मैंने सोचा कि कीर्तन वाला ब्लॉग भी इसी में डालूं, यानी मेला संगीत जो भी है वो भी इसी में डालूं, पर दोस्तों ने ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जा रहा है, और 22-23 मिनट का तो ऐसे ही हो रहा था, बट कार्ड फीडने के बाद मैंने इसको 13-14 मिनट का कर दिया है। बाकी दोस्तों ना अगर इसमें कीर्तन वाला ब्लॉग भी डालूं तो ये पूरा 25-30 मिनट का हो रहा है, और इसीलिए इतना लंबा ब्लॉग डालना भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो कीर्तन वाले ब्लॉग को अलग से डालूंगा, तो उसका थोड़ा सा वेट करना, कल वो ब्लॉग भी आ जाएगा इस ब्लॉग के बाद, और उस ब्लॉग को भी ज़रूर देखना, और वो ब्लॉग भी काफ़ी अमेजिंग बन रहा है, उसमें भी ना दोस्तों काफ़ी अमेजिंग पार्ट है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उसको भी अलग करूँ, उसको भी आप लोग फिर अच्छे से देख पाओगे, तो इसीलिए बाकी अगर मैं इसी के साथ जोड़ूंगा तो उसमें से काफ़ी सीन मेरे को काटने पड़ेंगे, क्योंकि इतना लंबा ब्लॉग भी मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा, इतना ज़्यादा नेट भी मेरे पास है नहीं, अगर मेरे पास वाईफाई होता तो मैं डाल देता, बट वाईफाई भी नहीं है। तो चलिए भाई करते हैं एंड, और मिलेंगे आपको कीर्तन वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।